नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार। वक्त हो गया है सुबह के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 की सुरक्षा में तैनात दिल्ली पुलिस के 450 जवानों को आज डिनर के लिए इनवाइट कर रहे हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोरा ने हर जिले के कांस्टेबलों और इंस्पेक्टर्स को आमंत्रण भेजा है, जिन्होंने G20 को सफल बनाने में योगदान दिया था। इस डिनर का आयोजन भारत मंडपम में होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में आज हैदराबाद में नवगठित कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक होगी। वहीं कल तेलंगाना में ही पार्टी की एक विशाल जनसभा भी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, जहां कार्यक्रम के संयोजक विधायक रामप्रीत पासवान ने कहा है कि गृह मंत्री के आगमन को लेकर खासा लोग उत्साह हैं और उन्हें सुनने के लिए लाखों लोग आएंगे। वहीं गृह मंत्री यहां से अररिया के दौरे पर जाएंगे। आमजनों में पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष की भांति आज 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाएगा, जिसे लेकर कई कार्यक्रम भी रखे गए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। वहीं उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होंगे। बता दें कि 18 सितंबर को वे मध्य प्रदेश के रीवा भी जा रहे हैं। तीनों सेनाओं के लिए 45,000 करोड़ के 9 रक्षा खरीद प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जहां रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में बैठक के बाद लिया गया फैसला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूं। और जैसे ही आपके लाइक और कमेंट आते हैं, हमारे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता, इसलिए लाइक और कमेंट के साथ शेयर भी कर दें। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवघर का चतुर्थ वार्षिकोत्सव आज मनाया जाएगा, जहां इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के राज्यपाल राधा कृष्णन मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास बनाएगी BJP, जिसको लेकर कल 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। बीते कल दोपहर 1:30 बजे के करीब कई स्मार्टफोन पर इमरजेंसी मैसेज आया होगा, जिसको लेकर बीप सुनकर कई लोग घबरा भी गए। लेकिन इस मैसेज का क्या मतलब था, आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल यह मैसेज नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा इंप्लीमेंट किए जा रहे पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया है। इसका उद्देश्य पब्लिक सुरक्षा और इमरजेंसी के दौरान अलर्ट उपलब्ध कराना है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थल पर एक और जहां दिव्य और भव्य चीर अस्थाई मंदिर का भूतल पूर्ण तरह बनकर तैयार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर भगवान के नाम से निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का टर्मिनल भी आकार ले रहा है, जिसको लेकर अयोध्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के महाप्रबंधक राजीव कुलश्रेष्ठ ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की योजना द्वितीय चरण में 3125 मीटर और तृतीय चरण में 3750 मीटर लंबा रनवे बनाने का है, जिस पर बड़े जहाज भी उतर सकेंगे। टर्मिनल का निर्माण पूर्ण होते ही डायरेक्टर ऑफ सिविल एविएशन के यहाँ लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। अक्टूबर महीने में टर्मिनल का निर्माण पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। एक बार फिर से बिहार के कई मजदूरों को तमिलनाडु में बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है, जहां घर वालों से 20,000 रुपए वसूले गए, लेकिन पैसे भेजने के बाद सभी के मोबाइल फोन बंद हैं, जिसके बाद घर वाले परेशान हैं और उन्होंने स्थानीय पुलिस में इसकी शिकायत की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। पठानकोट पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ऑनलाइन धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ किया। इन लोगों ने देश भर में कई लोगों को अपना निशाना बनाया था और छापेमारी में पुलिस ने मुख्य आरोपी अकबर निवासी नहेदा जिला नूह को भी पकड़ लिया है। वहीं पुलिस ने आरोपी से 2.5 लाख रुपए नकदी और 3 POS मशीन भी जब्त किए हैं। हरियाणा के नूह में भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में कांग्रेसी विधायक मामम खान को पुलिस ने गुरुवार को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। वहीं कल उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से अदालत ने 2 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। वहीं इसको लेकर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है, जो कि आज रात 12 बजे तक लागू रहेगा और इंटरनेट सेवा भी बंद रहेंगे।
गंगोत्री राजमार्ग पर सेज के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर के चपेट में आने से एक इको वैन भागीरथी में गिर गई, जिसमें सवार 4 व्यक्तियों की मौत हो गई, वहीं 2 गंभीर रूप से घायल है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के कट्टे कल्याण ब्लॉक में मोखपाल से कट्टे कल्याण के बीच सड़क नहीं है, साथ ही यहां पुलिया भी टूटी हुई है, जिस कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां बीते कल 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद का मामला उठाया है। उन्होंने अवैध मजारों को तोड़े जाने की कार्रवाई को सही बताया और कहा था कि मजारें जितनी भी बनी हुई है वे सभी अवैध हैं। वहीं अब भोपाल के VIP रोड स्थित मजार को लैंड जहाज बताया है और इसकी शिकायत उन्होंने प्रशासन से की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने PM नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र, हिमाचल में हुए तबाही को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने मीरवाइज उमर फारूक की नजरबंदी पर प्रशासन को जारी किया नोटिस, 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा। राजस्थान से महाराष्ट्र पहुंचे कंबल वाले बाबा, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नेता सुप्रिया सुले ने इस मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि राजस्थान का एक बाबा मुंबई के घाटकोपर इलाके में दिव्यांगों को कंबल डालकर ठीक करने का दावा कर रहा है। यह शख्स BJP विधायक की मौजूदगी में महिलाओं को आपत्तिजनक तरीके से छूता है। वहीं इस मुद्दे पर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय ने BJP विधायक राम कदम के खिलाफ अंधविश्वास फैलाने के लिए कार्रवाई की मांग की है। गुजरात के खेड़ा जिले के ठसरा कस्बे में भाद्र मास के अमावस्या पर निकलने वाली शिवजी के सवारी के दौरान पथराव का मामला सामने आया। पुलिस के अनुसार यात्रा खत्म होने वाली थी, लेकिन तभी अचानक पथराव का माहौल बन गया। वहीं दोनों पक्षों में पथराव की घटना के बीच पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। फिलहाल एरिया में शांति है और पुलिस बल तैनात है। राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों के हड़ताल पर BJP ने कसा तंज। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2 बार घटाई कीमतें, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने वेट और भी बढ़ा दिया, जिस कारण पेट्रोल और डीजल महंगा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें और कमेंट के साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी आज की ताजा तरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।